देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज। द कश्मीर फाइल्स। बहुतों ने फिल्म देखी होगी और कुछ ने केवल सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लिया होगा। बहुतों की तादाद ऐसी होगी जो नफरत को मिटाने और बीती बात बिसार अब आगे के सुदिले का गाना भी गाया होगा। यकीनन नफरत को पालना और भूतकाल में रहना किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं, किंतु वर्तमान पीढ़ी को कम से कम पिछले 200 साल के इतिहास की सही जानकारी यकीनन होनी ही चाहिए। 100 साल यानी मात्र 2 पीढ़ी पहले हम, आप और सभी अपने पिता और दादा जी का नाम जानते हैं, ग्राम जानते हैं, अपने घर का इतिहास जानते हैं। इसी तर्ज पर आज की पीढ़ी को देश का इतिहास जरूर पता होना चाहिए। हर वो कहानी जिसे इतिहास की किताब से मात्र कुछ पन्ने का जिक्र बनाकर हटा दिया गया हो, ऐसी हर कहानी का बाहर आना बेहद जरूरी है। फिल्म कश्मीर फाइल्स अपनी रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई थी, जब कपिल शर्मा शो में इसका प्रमोशन करने से मना कर दिया गया। इसका कारण शायद राजनीति हो, लेकिन वो शो की किस्मत और वक्त की सच्चाई नहीं बदल सकता। फिल्म दिल और दिमाग पर भारी है, खास तौर पर तब जब आप अपने युवा अवस्था का कुछ हिस्सा उसी प्रदेश में बिता चुके हों जिसे लोग टेरिस स्टेट या मात्र धारा 70 के नाम से जानते हों। फिल्म की कहानी 19 जनवरी 1990 की उस रात की है जब कश्मीरी पंडितों को अपना घर, अपनी जड़ें छोड़कर रातों रात भागना पड़ा था। कोई पुलिस, कोई महकमा उनकी मदद को नहीं आया। दहशत में खाली हाथ, हाड़ कपाने वाली ठंड में घर से बेघर होने को मजबूर अपने ही देश में। 19 जनवरी से लेकर आज तक मुद्दे को बिना जाने समझे पीढ़ी दर पीढ़ी वही राग अलापती दुनिया है, इस्लाम खतरे में है, कश्मीर को बचाना है। फिल्म में किरदार और कलाकार अपनी ही सत्यता के साथ हैं। जिन नामों को मैं बताने आपको जा रहा हूं, उनको जरा गूगल पर सर्च करके देखिएगा। बिट्टा कर्राटे, जस्टिस गंजू और ऐसे कई नाम हैं जो हादसे में रहे हैं। आज के यूक्रेन की लड़ाई को तीसरा बनकर देखेंगे तब भी झगड़े के मूल में रूस और अमेरिका को पाएंगे। रूस और अमेरिका ऐसी दो बड़ी ताकतें हैं जिनके आपसी झगड़े से कई देश प्रभावित हुए हैं। आपको शायद आश्चर्य होगा कि अगर ये कहूं कि कश्मीर भी उसी प्रभुता की जंग का नतीजा है। 1980 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो बिग बॉस अमेरिका ने एक जिन्न बनाने की सोची। ये जिन्न आगे चलकर अलकायदा बनकर अमेरिका में ही तांडव मचाया, ये अलग बात है। अफगानिस्तान के ही लोगों को मुजाहिदीन बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के तत्कालीन शासक जिया उल हक की सरपरस्ती में पाक अधिकृत कश्मीर में होने लगी। जी हाँ, तभी से ये आतंक का गढ़ बना। इस ट्रेनिंग के दौरान उनकी जान पहचान कश्मीर के दूसरे हिस्से में रह रहे लोगों से भी हुई और चुन चुन कर क्रूर बहसी आतंक को बढ़ाने वालों की संख्या में इजाफा होने लगा। इन आतंकियों की गोली से हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध सभी मर रहे थे। उनकी आतंकी हरकतों पर जब कार्रवाई हुई तो इसे मुसलमान बनाम काफिर की जंग बना दिया गया। भारतीय राजनीति में परिवारवाद, अवसरवाद ने किस किस स्तर पर चोट पहुंचाई है इसकी एक बानगी ये भी है। 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने बहनोई फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीनी और अपने आप को सही और धर्मपरस्त साबित करने के लिए जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट के पुराने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने का निर्णय लिया। इसका पुरजोर विरोध हुआ तो इस विरोध को इस्लाम के खतरे के रूप में पेश किया गया। दोस्तों ध्यान दें, मंदिर टूटा हिंदू धर्म का और खतरे में इस्लाम आ गया। ये निष्कर्ष कैसे निकला इस पर जरूर सोचें।
400 साल से बाहर से आए मुसलमान हिंदुस्तान में रहें और अपनी जनसंख्या को दिन दुना रात चौगुना बढ़ाने लगे। मात्र 400 साल का राज किया और पूरे इतिहास में छाए, किंतु एक मंदिर के टूटने का विरोध होने पर इस्लाम खतरे में आया। खैर, जो भी हो, 1986 से बना ये माहौल और उधर मुजाहिदीन से बढ़ती दोस्ती कश्मीर और कश्मीरियत से कश्मीरी पंडितों को बाहर करने का बीज रूप था। हालांकि 1987 के चुनाव में कट्टरपंथी हारे, किंतु इस हार को भी मुजाहिदीन ने खतरे में इस्लाम का जामा पहना दिया गया। इसी के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF बना, जिसका एकमात्र लक्ष्य था कश्मीर को भारत से अलग करना, अपनी दहशत को स्थापित करने के लिए खास और आम जनता को मारना इनका हथकंडा था। भाजपा नेता टिकलाल टपलू, रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू के साथ कैंपस के बाहर खड़े निहत्थे एयरफोर्स के जवानों की हत्या की गई। 4 जनवरी 1990 को एक लोकल अखबार में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाने को कहा गया। इसके साथ ही जगह जगह पोस्टर चस्पा कर दिए गए, कश्मीरी पंडित अपनी औरतों को छोड़कर कश्मीर से बाहर जाओ। इसे सुनकर अगर डर, शर्मिंदगी और गुस्सा न आए तो अपने जिंदा होने का सबूत खुद को दे। 19 जनवरी को सुबह से ही लाउडस्पीकरों से धर्म बदलो, भागो या मारो का नारा लगा। पूरी रात लूट, बलात्कार और आगजनी हुई और कश्मीरी पंडित कई सिख परिवार रातों रात घर से बेघर हो गए। इस रात की कहानी है इस फिल्म में, लेकिन उसका दर्द शायद देखकर महसूस भी नहीं कर पाएंगे आप। शर्म आनी चाहिए हर उस भारतीय को जो दंगे का विरोध धर्म देखकर करता है और आज भी बेशर्मी से इस फिल्म में दिखाई गई कश्मीर की हकीकत पर सवाल उठा रहा है। हकीकत को इसलिए मत नकारिए कि आपको आज की भाजपा सरकार से आपत्ति है। सरकार की नीति से आपत्ति और विरोध रखना हमारा अधिकार है, लेकिन अपने ही देश में विस्थापित हुए देशवासियों की सुत लेना भी कर्तव्य है। क्या इस सत्य को समझेंगे आप? दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मैं दुआ करूंगा कि आप खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।